यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम संभव पर्व में 71वां अध्याय राजा दुष्यंत का शकुंतला के साथ वार्तालाप, शकुंतला के द्वारा अपने जन्म का कारण बतलाना तथा उसी प्रसंग में विश्वामित्र की तपस्या से इंद्र का चिंतित होकर मेनका को मुनि का तपोभंग करने के लिए भेजना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर महाबाहु राजा दुष्यंत साथ आए हुए अपने उन मंत्रियों को भी बाहर छोड़कर अकेले ही उस आश्रम में गए, किंतु वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि नहीं दिखाई दिए। महर्षि कणव को न देखकर और आश्रम को सूना पाकर राजा ने संपूर्ण वन को प्रतिध्वनित करते हुए से पूछा, यहां कौन है? दुष्यंत के उस शब्द को सुनकर एक मूर्तिमती लक्ष्मी सी सुंदरी कन्या तापसी का वेश धारण किए आश्रम के भीतर से निकली। जनमेजय, उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह सुंदरी कन्या रूप, यौवन, शील और सदाचार से संपन्न थी। राजा दुष्यंत के विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित थे। उनकी छाती चौड़ी, शरीर की गठन सुंदर, कंधे सिंह के सदृश और भुजाएं लंबी थी। वे समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित थे। श्याम नेत्रों वाली उस शुभ लक्षणा कन्या ने सम्माननीय राजा दुष्यंत को देखते ही मधुरवाणी में उनके प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हुए शीघ्रतापूर्वक स्पष्ट शब्दों में कहा, अतिथि देव, आपका स्वागत है। महाराज, फिर आसन, पाद्य और अर्घ्य अर्पण करके उनका समादर करने के पश्चात उसने राजा से पूछा, आपका शरीर निरोग है ना? घर पर कुशल तो है? उस समय विधिपूर्वक आदर सत्कार करके आरोग्य और कुशल पूछकर वह तपस्विनी कन्या मुस्कुराती हुई सी बोली, कहिए, आपकी क्या सेवा की जाए? आपके आश्रम की ओर पधारने का क्या कारण है? आप यहां कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहते हैं? आपका परिचय क्या है? आप कौन हैं और आज यहां महर्षि के इस शुभ आश्रम पर किस उद्देश्य से आए हैं? उसके द्वारा विधिवत किए हुए आतिथ्य सत्कार को ग्रहण करके राजा ने उस सर्वांग सुंदरी एवं मधुर भाषिणी कन्या की ओर देखकर कहा। दुष्यंत बोले, कमल लोचने, मैं राजऋषि महात्मा इलिल का पुत्र हूं और मेरा नाम दुष्यंत है। मैं यह सत्य कहता हूं। भद्रे, मैं परम भाग्यशाली महर्षि कणव की उपासना करने, उनके सत्संग का लाभ लेने के लिए आया हूं। शोभने, बताओ तो, भगवान कणव कहां गए हैं? शकुंतला बोली, अभ्यागत, मेरे पूज्य पिताजी फल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं, अतः दो घड़ी प्रतीक्षा कीजिए, लौटने पर उनसे मिलिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, राजा दुष्यंत ने देखा महर्षि कणव आश्रम पर नहीं है और वह तापसी कन्या उन्हें वहां ठहरने के लिए कह रही है। साथ ही उनकी दृष्टि इस बात की ओर भी गई कि यह कन्या सर्वांग सुंदरी, अपूर्व शोभा से संपन्न तथा मनोहर मुस्कान से सुशोभित है। इसका शरीर सौंदर्य की प्रभा से प्रकाशित हो रहा है। तपस्या तथा मन इंद्रियों के संयम ने इसमें अपूर्व तेज भर दिया है और यह अनुपम रूप और नई जवानी से उद्भासित हो रही है। यह सब सोचकर राजा ने पूछा, मनोहर कटी प्रदेश से सुशोभित सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किस लिए इस वन में आई हो? शोभने, तुम में ऐसे अद्भुत रूप और गुणों का विकास कैसे हुआ है? शुभे, तुमने दर्शन मात्र से मेरे मन को हर लिया है। कल्याणी, मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूं।
अतः मुझे सब कुछ ठीक ठीक बताओ। हाथी की सूंड के समान जांघों वाली मतवाली सुंदरी, मेरी बात सुनो। मैं राज ऋषि पुरु के वंश में उत्पन्न राजा दुष्यंत हूं। आज मैं अपनी पत्नी बनाने के लिए तुम्हारा वरण करता हूं। क्षत्रिय कन्या के सिवा दूसरी किसी स्त्री की ओर मेरा मन कभी नहीं जाता। अन्यान्य ऋषि पुत्रियों, अपने से भिन्न वर्ण की कुमारियों तथा पराई स्त्रियों की ओर भी मेरे मन की गति नहीं होती। मधुरभाषिणी, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं अपने मन को पूर्णतः संयम में रखता हूं। ऐसा होने पर भी तुम पर मेरा अनुराग हो रहा है, अतः तुम क्षत्रिय कन्या ही हो। बताओ तुम कौन हो? भीरु, ब्राह्मण कन्या की ओर आकृष्ट होना मेरे मन को कदापि सह नहीं है। विशाल नेत्रों वाली सुंदरी, मैं तुम्हारा भक्त हूं, तुम्हारी सेवा चाहता हूं, तुम मुझे स्वीकार करो। विशाल लोचने, मेरा राज्य भोगो, मेरे प्रति अन्यथा विचार ना करो, मुझे पराया न समझो। उस आश्रम में राजा के इस प्रकार पूछने पर वह कन्या हंसती हुई मिठास भरे वचनों में उनसे इस प्रकार बोली, महाराज दुष्यंत, मैं तपस्वी धृतिमान धर्मज्ञ तथा महात्मा भगवान कणव की पुत्री मानी जाती हूं। राजेंद्र, मैं परतंत्र हूं। कश्यप नंदन महर्षि कणव मेरे गुरु और पिता हैं। उन्हीं से आप अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रार्थना करें, आपको अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। दुष्यंत बोले, महाभाग, विश्ववंद्य कणव तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे बड़े कठोर व्रत का पालन करते हैं। साक्षात धर्मराज भी अपने सदाचार से विचलित हो सकते हैं, परंतु महर्षि कणव नहीं। ऐसी दशा में तुम जैसी सुंदरी देवी उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? इस विषय में मुझे बड़ा भारी संदेह हो रहा है। मेरे इस संदेह का निवारण तुम ही कर सकती हो। शकुंतला ने कहा, राजन, ये सब बातें मुझे जिस प्रकार ज्ञात हुई हैं, मेरा यह जन्म आदि पूर्व काल में जिस प्रकार हुआ है और मैं जिस प्रकार कणव मुनि की पुत्री हूं, वह सब वृतांत ठीक ठीक बता रही हूं। सुनिए, जिसका स्वरूप तो अन्य प्रकार का है, किंतु जो सत्पुरुषों के सामने उसका अन्य प्रकार से ही परिचय देता है, अर्थात जो पापात्मा होते हुए भी अपने को धर्मात्मा कहता है, वह मूर्ख, पाप से आवृत, चोर एवं आत्मवंचक है। पृथ्वीपति, एक दिन किसी ऋषि ने यहां आकर मेरे जन्म के संबंध में मुनि से पूछा, कश्यप नंदन, आप तो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, फिर यह शकुंतला कहां से आई? आपसे पुत्री का जन्म कैसे हुआ? यह मुझे सच सच बताइए। उस समय भगवान कणव ने उससे जो बात बताई वही कहती हूं, सुनिए। कणव बोले, पहले की बात है, महर्षि विश्वामित्र बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देवताओं के स्वामी इंद्र को अपनी तपस्या से अत्यंत संताप में डाल दिया। इंद्र को यह भय हो गया कि तपस्या से अधिक शक्तिशाली होकर ये विश्वामित्र मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देंगे। अतः उन्होंने मेनका से इस प्रकार कहा, मेनके, अप्सराओं के जो दिव्य गुण हैं, वे तुम में सबसे अधिक है। कल्याणी, तुम मेरा भला करो और मैं तुमसे जो बात कहता हूं सुनो। वे सूर्य के समान तेजस्वी महातपस्वी विश्वामित्र घोर तपस्या में संलग्न हो मेरे मन को कंपित कर रहे हैं। सुंदरी मेनके, उन्हें तपस्या से विचलित करने का यह महान भार मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। विश्वामित्र का अंतःकरण शुद्ध है, उन्हें पराजित करना अत्यंत कठिन है और वे इस समय घोर तपस्या में लगे हैं। अतः ऐसा करो जिससे वे मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट न कर सके। तुम उनके पास जाकर उन्हें लुभाओ, उनकी तपस्या में विघ्न डाल दो और इस प्रकार मेरे विघ्न के निवारण का उत्तम साधन प्रस्तुत करो। वरारोहे, अपने रूप, जवानी, मधुर स्वभाव, हाव भाव, मंद मुस्कान और सरस वार्तालाप आदि के द्वारा मुनि को लुभाकर उन्हें तपस्या से निवृत्त कर दो। मेनका बोली, देवराज, भगवान विश्वामित्र बड़े भारी तेजस्वी और महान तपस्वी हैं। वे क्रोधी भी बहुत हैं। उनके इस स्वभाव को आप जानते हैं। जिन महात्मा के तेज, तप और क्रोध से आप भी उद्विग्न हो उठते हैं, उनसे मैं कैसे नहीं डरूंगी?
विश्वामित्र ऋषि वे ही हैं जिन्होंने महाभाग महर्षि वशिष्ठ का उनके प्यारे पुत्रों से सदा के लिए वियोग करा दिया, जो पहले क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी तपस्या के बल से ब्राह्मण बन गए, जिन्होंने अपने शौच स्नान की सुविधा के लिए अगाध जल से भरी हुई उस दुर्गम नदी का निर्माण किया, जिसे लोक में सब मनुष्य अत्यंत पुण्यमयी कौशिकी नदी के नाम से जानते हैं। विश्वामित्र महर्षि वे ही हैं जिनकी पत्नी का पूर्व काल में संकट के समय शापवश व्याध बने हुए धर्मात्मा राजऋषि मतंग ने भरण पोषण किया था। दुर्भिक्ष बीत जाने पर उन शक्तिशाली मुनि ने पुनः आश्रम पर आकर उस नदी का नाम पारा रख दिया था। सुरेश्वर, उन्होंने मतंग मुनि के किए हुए उपकार से प्रसन्न होकर स्वयं पुरोहित बनकर उनका यज्ञ कराया, जिसमें उनके भय से आप भी सोमपान करने के लिए पधारे थे। उन्होंने ही कुपित होकर दूसरे लोक की सृष्टि की और नक्षत्र संपत्ति से रूठकर प्रतिश्रवण आदि नूतन नक्षत्रों का निर्माण किया था। ये वे ही महात्मा हैं जिन्होंने गुरु के शाप से हीन अवस्था में पड़े हुए राजा त्रिशंकु को भी शरण दी थी। उस समय यह सोचकर कि विश्वामित्र ब्रह्मऋषि वशिष्ठ के शाप को कैसे छुड़ा देंगे, देवताओं ने उनकी अवहेलना करके त्रिशंकु के यज्ञ की वह सारी सामग्री नष्ट कर दी। परंतु महातेजस्वी शक्तिशाली विश्वामित्र ने दूसरी यज्ञ सामग्रियों की सृष्टि कर ली तथा उन महातपस्वी ने त्रिशंकु को स्वर्ग लोक में पहुंचा ही दिया। जिनके ऐसे अद्भुत कर्म हैं, उन महात्मा से मैं बहुत डरती हूं। प्रभु, जिससे वे कुपित हो मुझे भस्म न कर दें, ऐसे कार्य के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। वे अपने तेज से संपूर्ण लोकों को भस्म कर सकते हैं, पैर के आघात से पृथ्वी को कपा सकते हैं, विशाल मेरु पर्वत को छोटा बना सकते हैं और संपूर्ण दिशाओं में तुरंत उलट फेर कर सकते हैं। ऐसे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी, तपस्वी और जितेंद्रिय महात्मा का मुझ जैसी नारी कैसे स्पर्श कर सकती है? सुरश्रेष्ठ, अग्नि जिनका मुख है, सूर्य और चंद्रमा जिनकी आंखों के तारे हैं और काल जिनकी जीवा है, उन तेजस्वी महर्षि को मेरी जैसी स्त्री कैसे छू सकती है? यमराज, चंद्रमा, महर्षिगण, साध्यगण, विश्वेदेव और संपूर्ण बालखिल्य ऋषि, ये भी जिनके प्रभाव से उद्विग्न रहते हैं, उन विश्वामित्र मुनि से मेरी जैसी स्त्री कैसे नहीं डरेगी? सुरेंद्र, आपके इस प्रकार वहां जाने का आदेश देने पर मैं उन महर्षि के समीप कैसे नहीं जाऊंगी? किंतु देवराज, पहले मेरी रक्षा का कोई उपाय सोचिए, जिससे सुरक्षित रहकर मैं आपके कार्य की सिद्धि के लिए चेष्टा कर सकूं। देव, मैं वहां जाकर जब क्रीड़ा में निमग्न हो जाऊं, उस समय वायुदेव आवश्यकता समझकर मेरा वस्त्र उड़ा दे और इस कार्य में आपके प्रसाद से कामदेव भी मेरे सहायक हों। जब मैं ऋषि को लुभाने लगूं, उस समय वन से सुगंध भरी वायु चलनी चाहिए। तथास्तु कहकर इंद्र ने जब इस प्रकार की व्यवस्था कर दी, तब मेनका विश्वामित्र मुनि के आश्रम पर गई। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंतलोपाख्यान विषयक 71वां अध्याय पूरा हुआ। 72वां अध्याय, मेनका विश्वामित्र मिलन, कन्या की उत्पत्ति, शकुंत पक्षियों के द्वारा उसकी रक्षा और कणव का उसे अपने आश्रम पर लाकर शकुंतला नाम रखकर पालन करना। महर्षि कणव ने कहा, मेनका के ऐसा कहने पर इंद्रदेव ने वायु को उसके साथ जाने का आदेश दिया। तब मेनका वायुदेव के साथ समयानुसार वहां से प्रस्थित हुई। वन में पहुंचकर भीरु स्वभाव वाली सुंदरी मेनका ने एक आश्रम में विश्वामित्र मुनि को तप करते देखा। वे तपस्या द्वारा अपने समस्त पाप दग्ध कर चुके थे। उस समय महर्षि को प्रणाम करके वह अप्सरा उनके समीपवर्ती स्थान में ही भांति भांति की क्रीड़ाएं करने लगी। इतने में ही वायु ने मेनका का चंद्रमा के समान उज्जवल वस्त्र उसके शरीर से हटा दिया। यह देख सुंदरी मेनका लजाकर वायुदेव को कोसती एवं मुस्कुराती हुई सी वह वस्त्र लेने की इच्छा से तुरंत ही उस स्थान की ओर दौड़ गई जहां वह गिरा था।
अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र के देखते देखते वहां यह घटना घटित हुई। वह अनिंद्य सुंदरी विषम परिस्थिति में पड़ गई थी और घबराकर वस्त्र लेने की इच्छा कर रही थी। उसका रूप सौंदर्य अवर्णनीय था, तरुण अवस्था भी अद्भुत थी। उस सुंदरी अप्सरा को मुनिवर विश्वामित्र ने वहां नंगी देख लिया। उसके रूप और गुणों को देखते ही विप्रवर विश्वामित्र काम के अधीन हो गए। संपर्क में आने के कारण मेनका में उनका अनुराग हो गया। उन्होंने मेनका को अपने निकट आने का निमंत्रण दिया। अनिंद्य सुंदरी मेनका तो यह चाहती ही थी। उनसे संबंध स्थापित करने के लिए वह राजी हो गई। तदनंतर वे दोनों वहां सुदीर्घ काल तक इच्छा अनुसार विहार तथा रमण करते रहे। वह महान काल उन्हें एक दिन के समान प्रतीत हुआ। काम और क्रोध पर विजय न पा सकने वाले उन सदा क्षमाशील महर्षि ने दीर्घ काल से उपार्जित की हुई तपस्या को नष्ट कर दिया। तपस्या का क्षय होने से मुनि के मन पर मोह छा गया। तब मेनका काम तथा राग के वशीभूत हुए मुनि के पास गई। ब्राह्मण, फिर मुनि ने मेनका के गर्भ से हिमालय के रमणीय शिखर पर मालिनी नदी के किनारे शकुंतला को जन्म दिया। मेनका का काम पूरा हो चुका था। वह उस नवजात गर्भ को मालिनी के तट पर छोड़कर तुरंत इंद्रलोक को चली गई। सिंह और व्याघ्रों से भरे हुए निर्जन वन में उस शिशु को सोते देख शकुंतों ने उसे सब ओर से पांखों द्वारा ढक लिया, जिससे कच्चे मांस खाने वाले गीद आदि जीव वन में इस कन्या की हिंसा न कर सके। इस प्रकार वहां शकुंत ही मेनका कुमारी की रक्षा कर रहे थे। उसी समय आचमन करने के लिए जब मैं मालिनी तट पर गया तो देखा यह रमणीय निर्जन वन में पक्षियों से घिरी हुई सो रही है। मुझे देखते ही वे सब मधुर भाषी पक्षी मेरे पैरों पर गिर गए और सुंदर वाणी में इस प्रकार कहने लगे। पक्षी बोले, ब्राह्मण, यह विश्वामित्र की कन्या आपके यहां धरोहर के रूप में आई है, आप इसका पालन पोषण कीजिए। कौशिकी के तट पर गए हुए आपके सखा विश्वामित्र काम और क्रोध को नहीं जीत सके थे। आप दयालु हैं, इसलिए उनकी पुत्री का पालन कीजिए। इस प्रकार पक्षियों ने कहा। कण मुनि कहते हैं, ब्राह्मण, मैं समस्त प्राणियों की बोली समझता हूं और सब जीवों के प्रति दया भाव रखता हूं। अतः उस निर्जन महावन में पक्षियों से घिरी हुई इस कन्या को वहां से लाकर मैंने इसे अपनी पुत्री के पद पर प्रतिष्ठित किया। जो गर्भाधान के द्वारा शरीर का निर्माण करता है, जो अभयदान देकर प्राणों की रक्षा करता है और जिसका अन्न भोजन किया जाता है, धर्मशास्त्र में क्रमशः ये तीनों पुरुष पिता कहे गए हैं। निर्जन वन में इसे शकुंतों ने घेर रखा था, इसलिए शकुंतान लाति रक्षत्वेन गृहणाति। इस व्युत्पत्ति के अनुसार इस कन्या का नाम मैंने शकुंतला रख दिया। ब्राह्मण, इस प्रकार शकुंतला मेरी बेटी हुई, आप यह जान ले। प्रशंसनीय शील स्वभाव वाली शकुंतला भी मुझे अपना पिता मानती है। शकुंतला कहती है, राजन, उन महर्षि के पूछने पर पिता कणव ने मेरे जन्म का यह वृत्तांत उन्हें बताया था। इस तरह आप मुझे कणव की ही पुत्री समझिए। मैं अपने जन्मदाता पिता को तो जानती नहीं, कणव को ही पिता मानती हूं। महाराज, इस प्रकार जो वृत्तांत मैंने सुन रखा था वह सब आपको बता दिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंतलोपाख्यान विषयक 72वां अध्याय पूरा हुआ। 73वां अध्याय शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह और महर्षि कर्ण के द्वारा उसका अनुमोदन। दुष्यंत बोले, सुंदरी, ऐसा न कहो, तपोराशि महात्मा कणव बड़े ही दयालु हैं। शकुंतला ने कहा, राजन, ब्राह्मण क्रोध के द्वारा ही प्रहार करते हैं, वे हाथ में लोहे का हथियार नहीं धारण करते। अग्नि अपने तेज से, सूर्य अपनी किरणों से, राजा दंड से और ब्राह्मण क्रोध से दग्ध करते हैं। कुपित ब्राह्मण अपने क्रोध से अपराधी को
वैसे ही नष्ट कर देता है, जैसे वज्रधारी इंद्र असुरों को। दुष्यंत बोले, वरारोहे, तुम्हारा शील और स्वभाव प्रशंसा के योग्य है। मैं चाहता हूं तुम मुझे स्वेच्छा से स्वीकार करो। मैं तुम्हारे लिए ही यहां ठहरा हूं। मेरा मन तुम में ही लगा हुआ है। आत्मा ही अपना बंधु है, आत्मा ही अपना आश्रय है, आत्मा ही अपना मित्र है और वही अपना पिता है। अतः तुम स्वयं ही धर्म पूर्वक आत्मसमर्पण करने योग्य हो। धर्मशास्त्र की दृष्टि से संक्षेप से 8 प्रकार के ही विवाह माने गए हैं, ब्रह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस तथा 8वां पैशाच। स्वयंभू मनु का कथन है कि इनमें बाद वालों की अपेक्षा पहले वाले विवाह धर्मानुकूल हैं। पूर्व कथित जो 4 विवाह ब्रह्म, देव, आर्ष तथा प्राजापत्य हैं, उन्हें ब्राह्मण के लिए उत्तम समझो। अनिंदिते, ब्राह्म से लेकर गांधर्व तक क्रमशः 6 विवाह क्षत्रिय के लिए धर्मानुकूल जानो। राजाओं के लिए तो राक्षस विवाह का भी विधान है। वैश्यों और शूद्रों में आसुर विवाह ग्राह्य माना गया है। अंतिम 5 विवाहों में 3 तो धर्म सम्मत है और 2 अधर्म रूप माने गए हैं। पैशाच और आसुर विवाह कदापि करने योग्य नहीं है। इस विधि के अनुसार विवाह करना चाहिए, यह धर्म का मार्ग बताया गया है। गांधर्व और राक्षस दोनों विवाह क्षत्रिय जाति के लिए धर्मानुकूल ही है, अतः उनके विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए। वे दोनों विवाह परस्पर मिले हो या पृथक पृथक हो, क्षत्रिय के लिए करने योग्य ही है, इसमें संशय नहीं है। अतः सुंदरी, मैं तुम्हें पाने के लिए इच्छुक हूं। तुम भी मुझे पाने की इच्छा रखकर गांधर्व विवाह के द्वारा मेरी पत्नी बन जाओ। शकुंतला ने कहा, पारव श्रेष्ठ, यदि यह गांधर्व विवाह धर्म का मार्ग है, यदि आत्मा स्वयं ही अपना दान करने में समर्थ है, तो इसके लिए मैं तैयार हूं। किंतु प्रभु, मेरी एक शर्त है, उसे सुन लीजिए और उसका पालन करने के लिए मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा कीजिए। वह शर्त क्या है, यह मैं एकांत में आपसे कह रही हूं। महाराज दुष्यंत, मेरे गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हो, वही आपके बाद युवराज हो, ऐसी मेरी इच्छा है। यह मैं आपसे सत्य कहती हूं। यदि यह शर्त इसी रूप में आपको स्वीकार हो, तो आपके साथ मेरा समागम हो सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, शकुंतला की यह बात सुनकर राजा दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे विचारे यह उत्तर दे दिया कि ऐसा ही होगा। वे शकुंतला से बोले, शुचिस्मिते, मैं शीघ्र तुम्हें अपने नगर में ले चलूंगा। सुश्रोणी, तुम राजभवन में ही रहने योग्य हो, मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूं। ऐसा कहकर राजर्षि दुष्यंत ने अनिंद्य गामिनी शकुंतला का विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया और उसके साथ एकांतवास किया, फिर उसे विश्वास दिलाकर वहां से विदा हुए। जाते समय उन्होंने बार बार कहा, पवित्र मुस्कान वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए चतुरंगिणी सेना भेजूंगा और उसी के साथ अपने राजभवन में बुलवाऊंगा। अनिंद्य गामिनी शकुंतला से ऐसा कहकर राजर्षि दुष्यंत ने उसे अपनी भुजाओं में भर लिया और उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। देवी शकुंतला राजा की परिक्रमा करके खड़ी थी। उस समय उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया। शकुंतला के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वह नरेश के चरणों में गिर पड़ी। राजा ने देवी शकुंतला को फिर उठाकर बार बार कहा, राजकुमारी, चिंता न करो, मैं अपने पुण्य की शपथ खाकर कहता हूं, तुम्हें अवश्य बुला लूंगा। Oh,
यथार्थ मोक्ष में।